माई चैनल। तो शाम के बज गए हैं ठीक 6:30 और आज है सोमवार। एंड आजकल ऐसा हो रहा है मोस्टली जो है ना मेरे व्लॉग जो है शाम से शुरू होते हैं क्योंकि मॉर्निंग से मेरा मन नहीं करता है। सच बताऊँ तो मॉर्निंग से ऐसा होता है कि अपने ही काम निपटा लो, व्लॉगिंग वगैरह तो होती रहेगी। और ये व्लॉगिंग वगैरह जो काम होता है ना ये तसल्ली वाला काम है और ये खुशी वाला काम है। तो अगर मैं देखती हूँ कि मॉर्निंग से मेरा मूड कुछ अच्छा नहीं है या मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं नहीं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड अगर फिर इवनिंग होते होते मेरा मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है कभी कभी तो मैं व्लॉगिंग जो है ना स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मोस्टली क्या होता है कि आजकल व्लॉगिंग इवनिंग से ही होती है मेरी। तो शाम के 6:30 बज चुके हैं और मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि दी आप ग्रहण का वीडियो बनाना कि आप ग्रहण में किस तरीके से रहते हो। तो उनको पहले मैं सॉरी बोल दूँ क्योंकि कल मतलब संडे मैंने कोई भी वीडियो कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। एंड उसका रीज़न मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि ग्रहण था और आई थिंक 2 बजे तक ग्रहण था। उसके बाद ग्रहण के बाद ऐसा होता है कि नहाते हैं सब लोग एंड मंदिर वगैरह क्लीन करते हैं। उसी के बाद जो है लंच भी बनना था एंड मैंने घर भी ग्रहण के बाद ही जो है क्लीन किया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहण ख़त्म हो जाता है ना उसके बाद पूरे घर में भी झाड़ू पोछा करना चाहिए। तो वो मैंने दोबारा फिर किया था। तो मतलब वो करते करते ना जो है शाम का टाइम हो चुका था एंड रात तक मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि उसके बाद फिर मतलब मेरा मूड ही नहीं हुआ ना व्लॉगिंग का और ना ही हिम्मत हुई। तो संडे का मैंने कोई भी व्लॉग जो है ना शूट नहीं किया। और अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, गर्मी डेली होती है, नाइट में बारिश हुई और इस टाइम पे काफ़ी अच्छी खासी गर्मी हो रही है। बच्चे अंदर कार्टून देख रहे हैं, बच्चों के पापा गए हैं नीचे पनीर लेने के लिए, क्योंकि आज मेरा मन था रात को पनीर भुर्जी और रोटी खाने का, तो बस पनीर लेने के लिए उनको मैंने भेजा हुआ है। और चाय वगैरह हम लोग पी चुके हैं एंड अब मैं जाऊंगी किचन में रात के डिनर की तैयारी करने। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं सोचती हूँ कि फटाफट से ना सारे काम करके रख लूँ अपने, ताकि जितने जल्दी मेरे काम निपट जाए उतनी जल्दी जो है ना मैं फ्री हो जाऊँ। एंड मैंने कानों में पहने हुए ना, तो इन्होंने मेरे को बोला कि तूने कौन सा कबूतर मार के जो है ना कानों में पहना हुआ है ये। तो ये कबूतर जैसे लग रहे हैं क्या, ये थोड़े थोड़े से नीचे ना इसके पंख ऐसे लग रहे हैं जैसे सफ़ेद कबूतर हमारे यहाँ बहुत घूमते भी हैं। आजकल मैं न्यू इयरिंग्स पहन के आती हूँ आप लोगों के सामने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी बहुत मन करता है इस तरीके से तैयार होकर रहने का, चाहे हम बाहर जाएँ चाहे नहीं जाएँ। लेकिन जब हम इस तरीके से रहते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है खुद में और सच बताऊँ ना तो मन भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। एक जब कभी आप उदास हो ना तो आप तैयार होकर देखिए, आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। मतलब अंदर से आपके कॉन्फिडेंस आएगा, आप खुश हो जाओगी कि हाँ मैं रेडी होके एकदम टिप टॉप होके घर में हूँ, चाहे उसके बाद आपको कितना भी काम करना पड़े घर में। इनफैक्ट मेरे साथ तो पता है क्या है कि मैं जब तैयार हो जाती हूँ तो मेरा घर में जो है ना काम करने का मन भी करता है कि चलो अब मैं तैयार हूँ, चाहे मैं तैयार होकर कहीं नहीं जाऊँगी। तो ये मुझसे पूछते हैं कि तू कहाँ जा रही है, मैं कहती हूँ नहीं कहीं नहीं, बर्तन धोने जा रही हूँ किचन में रेडी होके, लेकिन रेडी होके जाऊंगी। तो कभी कभी तो मैं ऐसे ही बनी रहती हूँ, कभी कभी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है, लेकिन जिस दिन मन करता है उस दिन मैं अच्छे से जो है रेडी होके कैमरे के आगे आती हूँ, मतलब फ़ोन के कैमरे के आगे आती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ किचन में, चलिए फटाफट से चलते हैं किचन में और अपने जो है ना जितने भी काम हैं इवनिंग के वो निपटा लेते। तो फटाफट से मैं पहुंच गई हूं अपनी किचन में और यहां पर जो है मुझे कुछ बनाना है स्पेशल, तो मैंने उसका जो है पेस्ट तैयार करके रखा है। और यहां पर मैं पनीर भुर्जी की तैयारी कर रही हूं, तो फटाफट से कट कर रही हूं 2 मीडियम प्याज और साथ में कट करूंगी 3 टमाटर और ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी। सिंपल सी जो है पनीर भुर्जी बनेगी पर बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी और बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से अगर आप बनाओगे तो। तो यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें मस्टर्ड ऑयल एंड उसके बाद इसमें मैं तड़का लगाऊंगी राई का। तो ऐसी सब्जियों में राई का तड़का बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 मीडियम कट किए हुए प्याज। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो प्याज है ना आपको उसको पूरा डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन करना है, बिल्कुल हल्का सा। और इस बीच हम इसमें डाल देंगे सारे मसाले जो भी हमारा बेसिक मसाला होता है। आप देख सकते हैं कि प्याज का कलर ब्राउन नहीं हुआ है और भुर्जी में जो होता है ना प्याज इसी तरीके से रखा जाता है। एंड अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और टमाटर को मिक्स करके थोड़ा सा इसमें नमक भी ऐड करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया था। तो नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। एंड उसके बाद जो है ना क्रश किया हुआ पनीर जो है वो ऐड कर देंगे एंड पनीर ऐड करने के बाद मिक्स देंगे एक, और फिर थोड़ा सा डालेंगे कसूरी मेथी और कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा उभर कर आता है।
एंड उसके बाद देंगे एक मिक्स। और यहाँ पर हमारी पनीर भुर्जी जो है ना बनके बिल्कुल रेडी है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, ये पक चुकी है, हम इसको कवर कर देंगे। और अब जो है मैं बना रही हूँ टिक्कियाँ, टिक्की कह लीजिए, कबाब कह लीजिए, जो मर्जी कहना है कह लीजिए। और यहाँ पर मैंने सूजी को जो है ना पकाया है, जैसे हलवे को पकाते हैं ना वैसे ही, और उसमें नमक मिर्च मसाला सब डाल के उसमें 2-3 बॉयल आलू जो है अच्छे से मिक्स करके और एक प्याज मिक्स करके, और इस तरीके से अब मैं उसको टिक्की की शेप दे रही हूँ। एंड उसको जो है ना दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे, तो नॉन स्टिक में सेकिएगा इस तरीके से अच्छे से। मैंने आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर नहीं की है इसकी, लेकिन कभी और मैं कर दूंगी। एंड दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ उसके लिए चटनी, तो यहाँ पर मैंने कट किए हैं 2 टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ में पुदीना, और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 चम्मच दही। दही से इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है, उभर के आता है, और चटनी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। एंड इसमें ऐड कर देंगे बेसिक मसाला। तो ये वाली जो चटनी है ना, वो जो मैं कबाब और टिक्की बना रही हूँ ना, उसके साथ हम लोग खाएंगे। एंड उसके बाद इसको अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे। एंड चटनी जो है देख सकते हैं आप, बनके बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर हमारी टिक्कियाँ हैं वो भी बहुत अच्छे से जो है सिक चुकी है, और दोनों तरफ से जो है ना लाल हो गई है, क्रिस्पी हो गई है। अब दूसरा लॉट जो है ना उसको भी हम लोग इसी में ही बना लेंगे, जैसे हमने पहला बनाया था। और तेल बहुत ही कम लगता है, अगर हम इसको चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई करके भी उतनी ही टेस्टी लगेगी, बट यहाँ पर मैं डीप फ्राई नहीं। तो टिक्कियों को दूसरी बार तवे पे रखकर मैं आ गई हूँ आटा गूंदने के लिए, क्योंकि साथ के साथ जो है मैं आटा भी गूंद लूँगी, क्योंकि उनको सिकने में थोड़ा सा जो है टाइम लगता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं आटा गूंद लूँगी, क्योंकि मुझे फटाफट से जो है ना सारे काम निपटाने हैं। तो टिक्की वगैरह मेरी सिक चुकी थी आटा गूंदते गूंदते। एंड यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो सब चीज़ जो है मैं बना के रख लूँगी। तो फटाफट से यहाँ पर मैं सबके लिए जितनी भी रोटियाँ बनानी हैं बना लूँगी। बन चुकी हैं और मैं उनमें जो है फटाफट से घी लगा के रख दूंगी, ताकि रोटियां जो है सॉफ्ट रहें, मुलायम रहें, क्योंकि रोटियां बहुत जल्दी सूख जाती हैं। एंड सब कुछ बनने के बाद अब बारी आती है किचन क्लीनिंग की। तो जिस तरीके से डेली मैं किचन क्लीन करती हूँ, उसी तरीके से जो है मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लूँगी। ठीक 8:15 हो चुके हैं और मेरा जो है ना सारा काम निपट चुका है किचन का। खाना मैंने बना लिया है, बर्तन मैंने धो दिए हैं, किचन पूरा क्लीन कर दिया है। मैं आई हूँ थोड़ी देर जो है ना वॉक करने के लिए, और आपसे बात की थी ना उसके बाद जो है मैं किचन में लग गई थी, कि आज मुझे थोड़ा सा ज़्यादा काम था, आज मुझे कुछ ज़्यादा बनाना था, तो बस मैं किचन में लग गई थी। एंड अब आप लगा लीजिए कि कितनी देर में मेरा सारा काम निपट के जो है मैं फ्री हो चुकी हूँ। एंड सबसे बड़ी बात पता क्या हुई, जब मैं अपना किचन में काम कर रही थी ना, तो मेरे बेटे ने विदांश ने जो है ना, तो विदांश ने क्या किया, कपड़े पूरे फोल्ड करके उनको उनकी जगह पे रख दिया। हालांकि मुझे पता उसने अजीब से फोल्ड किए होंगे और रखे भी ऐसे होंगे, बट उसने इतना बड़ा काम कर दिया मेरे लिए, और मुझे आके बोला कि मम्मा मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर दिए और सबकी अलमारियों में जो है ना सेट कर दिए। अभी मैंने देखा नहीं है उसने कैसा सेट किया है, लेकिन अभी देखूंगी मैं जाके।
और जो बड़े कपड़े थे ना बेडशीट वगैरह वो उसने नीचे फेंक दिए, उससे ना वो फोल्ड नहीं हुए तो उसने वो जो है ना नीचे फेंक दिए। बाहर तो मैं घूम रही हूँ लेकिन बहुत गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी नहीं, एक भी पत्ता है ना जो नहीं हिल रहा है। एंड बस अब जो है हम लोग डिनर करेंगे थोड़ी देर में, काम वाम निपट जाए उसके बाद ऐसा होता है कि फ्री हो जाते हैं, फिर डिनर हम कभी भी करें क्योंकि फिर डिनर के ज़्यादा बर्तन नहीं होते, थोड़े से होते तो वो तो फटाफट से वॉश हो जाते हैं। एंड उसके बाद अब कुछ काम नहीं है, बस डिनर विनर करेंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे और फिर सो जाएंगे। और हाँ, कल बहुत ख़ास दिन है, कल स्पेशल डे है, कल मतलब मंगलवार को, आपको ये ब्लॉग भी मंगलवार को ही मिलेगा। एंड कल है मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, कल क्या करते हैं, ऐसा कुछ स्पेशल तो कर नहीं सकते क्योंकि बाहर जा नहीं सकते, कुछ भी नहीं है, तो बस जो भी है घर पे ही करेंगे। और मैंने इनको गिफ्ट दिला दिया था, मैंने आपको भी बताया था कि मैं इनको गिफ्ट दिला चुकी हूँ, लेकिन अभी ये फिर से बोल रही कि तूने मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं दिया, मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट चाहिए। एंड मैं तो नहीं दिलवाऊंगी क्योंकि मैं दिलवा चुकी हूँ। और इसे हैं कल का क्या प्लानिंग करते हैं, कुछ जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था, तो कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ब्लॉग पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर आपकी मर्जी है पर लाइक करना ना भूलिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।